बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाजरीन सलामुनअलैकुम, मैं हूं साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल सीजन टू। नाजरीन, आज की एक अच्छी बात से मैं इस प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगा। वो अच्छी बात आज की ये है कि अगर आप मुझ में कोई बुराई देखें तो आप मुझसे कहें, किसी और से नहीं। अगर आप मुझसे कहेंगे तो वो नसीहत कहलाएगी, लेकिन आप मेरी बुराई किसी और से कर देंगे तो वो गिबत कहलाएगी। तो जी हाँ नाजीन, आप सोच रहे होंगे कि आज हमारे प्रोग्राम एक मौका में कौन आने वाला है, क्या सवालात होंगे। उनके प्रोमो भी चल रहे थे, आपने बाखूबी देखा। लेकिन हर प्रोग्राम एक मौका जब भी आता है तो एक नई शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद होती है, साथ ही साथ कई बेहतरीन सवालात वो लेकर हमारे प्रोग्राम एक मौका में आते हैं। तो चलिए, इंतजार की घड़ी खत्म होती है। हमारे प्रोग्राम एक मौका में हम इस्तकबाल करते हैं शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश से तशरीफ लाए अहमद मेहदी साहब का। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम साजिद भाई, कैसे हैं? खैरियत से? खैरियत से, आप बताइए। चलिए, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका करना चाहूंगा, आप तमाम का भी जो हमारे प्रोग्राम में एक मौका में बेहतरीन सवालात भेजते हैं, और आपने भी सवालात भेजे थे और आज आप यहाँ पे खड़े हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। काफी टाइम हो गया था, आप एक मौका का इंतजार कर रहे थे, राइट? जी, काफी टाइम हो गया था, लेकिन आपने एक मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। चलिए, हम भी आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि आपका बेहतरीन सवाल, आपके बेहतरीन सवालात थे जो आपको आज यहाँ पहुँचाए हैं। बहरहाल मेहदी, आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं एक स्टैंड टू टेंथ स्टैंडर्ड में स्टडी करता हूँ। चलिए, जैसा कि मैंने कहा था, आप एक बहुत ही यंग हैं, टैलेंटेड भी हैं, साथ ही साथ क्योंकि आज का जो दौर है ना, वो देखा जाता है कि नाजरीन हम दुनिया में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, साथ ही साथ दीन की तरफ हमारा रुझान नहीं होता। लेकिन आप अहमद को देख के इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दसवीं में पढ़ने वाला एक इंसान जो दीन की तरफ इतना ज़्यादा सवालात की तरफ जाता है कि उसके जहन में जो सवाल उठते हैं वो हमारे प्रोग्राम एक मौका में आ जाते हैं और सवाल पूछना चाहते हैं और जवाब भी हासिल करना चाहते हैं। वैसे मेहंदी, आपकी एज बहुत कम है, देखा जाए आपको तो बहुत ही कम है, आप दसवीं में हैं, साथ ही साथ आप कुछ एम है आपकी लाइफ का कि आप क्या बनना चाहते हैं? सईद भाई, आई वांट टू बी एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिकॉज एवरीथिंग विल बी इन डिजिटल एंड आई लाइक टू ऑपरेट डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड आई लाइक टू ऑपरेट डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन। सो यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। चले, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड एक ब्राइट फ्यूचर हो आपका। आप दुनिया में बहुत तरक्की करें, बहुत नाम कमाएं, साथ ही साथ कौम की बहुत खिदमत करें। जिस तरीके से आज आप यहाँ पर आए हैं, जिस मेहनत के साथ, एक मोहब्बत थी जो आप प्रोग्राम एक मौका में आए हैं। वैसे एक मौका में आना क्यों चाहते थे आप? मैं विन टीवी बहुत देखता हूँ और मैंने एक मौका प्रोग्राम देखा, और जब मैंने इसके एपिसोड देखे तो मुझे लगा कि जो मेरे दिमाग में क्वेरी है वो सिर्फ यही प्लेटफॉर्म सॉल्व करवा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आप सवालात लेकर हमारे प्रोग्राम में एक मौका में शिकोहाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां से मुतमईन होकर जाएंगे, आपको बेहतरीन जवाब दिया जाएगा। आप तैयार है सवालात पूछने के लिए? जी, मैं बिल्कुल। शायद मैं एक बात कहना चाहता हूं। ओके, पहले हमारे पेरेंट्स, हमारे उलमा इकराम, हमारे बुजुर्ग मना करते थे टीवी मत देखो, लेकिन आज विन चैनल ने साबित कर दिया है कि हम एक बुरी चीज़ को भी अच्छा बना सकते हैं। आज विन चैनल की वजह से हमारे बुजुर्ग, हमारे पेरेंट्स, हमारे उलमा इकराम कहते हैं कि टीवी देखो, लेकिन विन टीवी देखो। अहमद, आपने बहुत ही बेहतरीन बात कही कि इस बुराई के दौर में एक अच्छा मीडियम आपके पास है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप शिकोहाबाद के रहने वाले हैं, हम में से बहुत सारे ऐसे नाजरीन हैं जो शिकोहाबाद के बारे में नहीं जानते हैं, तो शिकोहाबाद कैसा शहर है? शहर है या गाँव है या कस्बा टाइप का है? शिकोहाबाद एक बहुत अच्छा शहर है और आपके विन टीवी को वहाँ के लोग बहुत लाइक करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं शिकोहाबाद वालों से यही कहना चाहूँगा कि विन चैनल ज़रूर देखें, क्योंकि विन चैनल देखने के बाद मदरसा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विन चैनल ने घर घर में मदरसा खोल दिया। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत अच्छा सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल, तो आप ऐसा कुछ आगे स्क्रिप्ट राइटर भी बनना चाहते हैं कुछ? जी नहीं नहीं मैं ओके, ठीक है, तो आप तैयार हैं अपने सवाल पूछने के लिए? बहुत। चलिए, ओके। तो जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि शिकोहाबाद के रहने वाले अहमद मेहदी हमारे प्रोग्राम में एक मौका में आ चुके हैं अपने बेहतरीन सवालों के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि आज शिकोहाबाद के रहने वाले अहमद मेहदी के सवालों का जवाब यहाँ पे कौन देगा, तो चलिए हम इस्तकबाल करते हैं हर दिल अजीज़ मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना हुसैन मेहदी हुसैनी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम एक मौका में आए और कई बार आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम एक मौका का दस्तूर है, इसमें बाहर से लोग आते हैं और अपने सवालात भेजते हैं, हम उनको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनको एक मौका दिया जाता है। आज जो शख्सियत हमारे साथ है ये बहुत ही कम एज के हैं, इनकी उम्र बहुत कम है लेकिन बहुत टैलेंटेड है ये, और ये अपनी ज़िंदगी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं माशाल्लाह, और कई चीज़ें हैं इनके एम जो है, इंशाल्लाह कई एम है जो ये पूरा करना चाहते हैं इंशाल्लाह।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनके सवालों का जवाब बेहतरीन तरीके से देंगे और ये मुतमईन होकर यहां से जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। साथ ही साथ प्रोग्राम एक मौका के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब एक ही मौका है जी तो फिर इसके मान ये हैं कि बार बार यहाँ आने का किसी को मौका नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो जो चीज़ एक बार मिलती है उसको आदमी हर एतबार से बेहतर बनाने की कोशिश करता है जी। और इंशाअल्लाह ताला इनके लिए एक मौका एक नेमत बन के आएगा जी। और ये अपनी जहन की तमाम उन फिक्रों को जो अब तक इनके यहाँ दबी थी उसको आज आपके सामने पेश करेंगे और यहाँ से दीनी मालूमात के साथ वापस जाएंगे। चलिए नाज़रीन देखना है कि अहमद मेहदी किस तरीके का सवालात लेकर आए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा प्रोग्राम एक मौका देखते रहेंगे। मैं साजिद रिज़वी आपसे मुलाकात करूंगा ये सवालों जवाब के सिलसिले के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम एक मौका, आप और आपके सवाल। सलामुअलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब मुहर्रम सफ़र रबीउल के 8 रोज़ मिलाकर कुल 68 डेज़ हुए, इसमें हम अबाउट 40-50 मजालिसेस कुरान और हदीस की रोशनी में करबला वालों के सदक़े में सुनते हैं। बताइए हम नौजवान इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएं और कैसे इससे इबरत हासिल करें और कैसे इससे फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि इतना सुनने के बाद भी गम का महीना ख़त्म होते ही हम सुने हुए को भी अनसुना कर देते। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैर मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। देखिए मसला ये है कि नेचर के अंदर भी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आप माशाल्लाह भी कमसिन भी हैं और बाहोश भी हैं, आप ख़ुद ही इसका फ़ैसला कर लीजिए कि बारिश का पानी ज़मीन के ऊपर जब आता है तो झीलों के अंदर पर्सनल यूज़ के लिए इंसानी यूज़ के लिए कितना स्टोर होता है? 2% 3%, बकिया सारा का सारा पानी गंदे नालों के ज़रिए से बह जाता है। तो जब बह जाता है तो इसके मानी ये हैं कि पत्थरों के दरमियान फिरोज़ा बहुत थोड़ा सा मिलता है। हज़ारों टन जब काटे जाते हैं तो फिरोज़े का एक टुकड़ा मिलता है। जब ज़मीन के अंदर न जाने कितने फिट गहराइयों तक आदमी पहुंचता है तो जाके उसको पानी के चश्मे का कोई एक सुराख मिलता है। तो मालूम यह हुआ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस दुनिया के अंदर मुख्तसर उसका इस्तेमाल होता है। जैसा मैंने कहा, बारिश की नेमत है, बारिश की फरामानी है, लेकिन स्टोर पानी जो किया जाता है पीने के लिए, सप्लाई जो होता है बहुत कम होता है, 2-4% होता है। इसी तरह से अगर अय्याम अज़ाम मजलिसें, जैसा कि आपने कहा कि रोज़ अगर एक मजलिस भी मुनाकिद हो रही है तो ऐसा नहीं है कि मजलिसों के फ़ायदे कम हैं। अगर मजलिसों के फ़ायदे कम होते तो अगर आप पिछले ज़माने से तारीख़ पढ़ लें और अपने बुज़ुर्गों से, दादा से, वालिद से मालूम करें तो इस वक्त आज़ादारी के ऊपर तवज्जो ज़्यादा है, मजलिसों की तरफ तवज्जो ज़्यादा है, नज़र व नियाज के ऊपर तवज्जो ज़्यादा है। तो मालूम यह हुआ कि हमारी ये मजलिसें लोगों के अंदर शौक़ दीनी पैदा कर रही हैं। अगर शौक़ मज़हबी ना होता तो आदमी नहीं मजलिसों को अपने घर में रखता और अंजुमनों से वक्त लेता। आप आइए तो मालूम यह कि शौक़ दीनी है, मजहबी रुझान पाया जा रहा है, मजलिसें अपना असर कर रही हैं। ये नहीं कह सकते कि मजलिसों के फ़ायदे फ़क़त 2 महीने 8 दिन हैं। अगर 2 महीने 8 दिन तो 2 महीना बहुत ही मुख्तसर है, 60 दिन है, और उसके बाद जो बकिया बचे हैं 10 दिन, वो 10 महीने, वो 300 दिन हैं, 300 दिन हैं। मगर 300 दिन हमारे 260 दिन को भुला नहीं सका, वरना अगर कहीं भुला दिया होता तो 300 दिन तो बहुत हैं, 10 महीने तो बहुत हैं। अब हमको दोबारा फिर अय्याम अज़ा में मजलिस नहीं करने का शौक़ पैदा होता, लेकिन शौक़ के पैदा होने के माने ये हैं कि 2 महीने ने इतना गहरा असर कल्ब पर डाला है कि 10 महीने के खुराफात में मुब्तला होने के बाद भी हमें शौक़ पाया जा रहा। अब हम अपने अदा खानों में चूना कली करा रहे हैं, फर्श अदा बिछा रहे हैं, तबर्रुक का जिन मोमिनीन के पास इंतज़ाम नहीं, अगर उनको एक मजलिस साल में करनी है तो उसके लिए वो न जाने कैसी जहमतों को उठा रहे हैं।
तो मालूम है कि दो महीने दस दिन ने इतना असर किया है कि आज दस महीने उसको जायल न कर सके, इतना गहरा मजहब का असर मजलिसों ने डाला है। और अगर डाला ना होता तो आप जैसे जवान तो ज़माने में हर तरफ जो है वो गुमराही के असबाब फराहम हैं, लेकिन आप माशाल्लाह उसी गुमराही के दरमियान में जी भी रहे हैं, सांसें भी ले रहे हैं जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, मगर उसके साथ साथ बचपना गालिब है लेकिन उसके साथ तो मजहबी रुझान भी कवी है। तो मालूम है दो महीने दस दिन ये पूरे साल पर असर करते हैं, और असर न करते होते तो अज़ा खाने वीरान हो जाते हैं, मजलिसें बंद हो जाती हैं, मस्जिदों के अंदर प्रोग्राम ख़त्म हो जाते। मौलाना साहब, जबकि पूरे हिंदुस्तान में चाहे वो शहर हो या देहात, हमारी मस्जिदें, हमारे मकतब, हमारे मदरसे अधूरे हैं, कहीं पर तामीर चल रही है, कहीं पर रुकी हुई है, और कहीं ये सब है ही नहीं। मौलाना साहब मुझको ये समझाइए, क्योंकि मैं नई उम्र का हूँ, मैं जानना चाहता हूँ ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपसे पूछी हैं, इसके बावजूद बड़ी बड़ी शब्बेदारियाँ, बड़े बड़े जुलूस, बड़े बड़े जलसों पर लाखों रुपया खर्च होता है, क्या ये लाखों रुपया खर्च करना मुनासिब है? बल्कि ये सारी चीज़ें जो चीज़ें मदरसे मस्जिद रुकी हुई हैं हज़ारों रुपये के लिए, मौलाना साहब तो ये ज़रा बताइए, ये समझाइए कि क्या ये खर्च करना मुनासिब होगा, क्या इस पर भी एक कदम उठाया जाए? देखिए, एक शख्स के घर में ट्यूशन का पैसा भी दिया जा रहा है, लाइट का पैसा भी दिया जा रहा है, हाउस टैक्स भी दिया जा रहा है, उसके साथ साथ टेलीफोन का बिल भी दिया जा रहा है। ये सारे के सारे अखराजात आदमी मुतफर्रिक जमा करके अदा कर रहा है। तो जिस तरह से एक घर के अंदर लाइट बिल है, टेलीफोन का बिल है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, मुलाजिमा का है, सारे खर्चों को अदा कर रहा है एक घर का जिम्मेदार, वहाँ के ऊपर क्यों नहीं ये सोचते कि भाई मुलाजिमा को हटा दिया जाए, टेलीफोन को कट कर दिया जाए? वहाँ भी तो सोच सकते हैं कि टेलीफोन की क्या ज़रूरत, कट कट कर दिया जाए। एक अदद घर के अंदर टेलीफोन होना चाहिए, लैंडलाइन, और सारे मोबाइल का खर्च बच जाएगा। लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, लैंडलाइन से क्यों नहीं इस अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं? मालूम हुआ कि जैसे घर के ज़रूरियात बढ़ते जा रहे हैं, आदमी उसकी अखराजात को बर्दाश्त करता जा रहा है। तो जैसे सारे अखराजात मुतफर्रिक एक शख्स अदा कर रहा है, और उसी के साथ साथ वो मजलिस भी कर रहा है, तो अगर अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं तो होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि दुश्मन इसी को दबाने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन की साजिश यही है कि किसी सूरत से इमाम हुसैन का तसव्वुर और उनकी मोहब्बत उनके मानने वालों के दिल से निकल जाए। आपने ये देखा कि सऊदी के अंदर तेल का चश्मा उबल रहा है या नहीं है? और अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि ये प्रिंस गए हुए थे फ्रांस, और फ्रांस की हुकूमत का स्टेटमेंट वहाँ से आया कि इनके आ जाने से हमारा इक्तसाद संभल गया। यानी एक प्रिंस फैमिली ने कितना यूज़ किया कि एक फ्रांस जैसे मुल्क का इक्तसाद संभल गया, यानी बेपनाह पैसे खर्च किए इन्होंने वहाँ जा कर के कि मुल्क की हालत बेहतर हो गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिसके पास इतना पैसा हो वो हाजियों पर टैक्स लगा रहा है, वो जो है वीज़ा फीस बढ़ाए हुए है, वो हज के ज़माने में घरों की कीमत बढ़ाई गई है, ये सब हो रहा है। अब मैं उसके बरखिलाफ़ आपसे पूछता हूँ, ये मोहब्बत इमाम हुसैन है कि नजफ़ से लेकर के करबला के दरमियान 90 किलोमीटर का फासला है, और इसी तरह से दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं, और शहरों के अंदर लोगों ने दस्तरखान बिछा दिए, कौन सी नेमत नहीं है जो ज़ायर को फ्री में नहीं दी जा रही है? यही वो मनाजिर हैं जो दुनिया की आँखों में खटक रहे हैं, और वो ये चाहते हैं किसी सूरत से जज्बे विलायत अहले बैत दिल से निकल जाए तो हमारा शुमार भी उसी भैंस और गाय के हुक्म में हो जाएगा। चूँकि मरजियत और आज़ादारी, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, बैक बोन हैं। जब बैक बोन हैं तो हमको ये चाहिए कि हम इसको बहुत ज़्यादा फ़रोग के साथ लोगों के सामने पेश करें, ताकि वो तो यही चाह रहे हैं कि ये अदादारी फीकी पड़ जाए, और उन्होंने इस अदादारी को मिटाने के लिए कैसी कैसी चालें की हैं। आज हमारी आपकी पहली मुलाकात है, आपको हम एक गाइड
گائیڈنس دے رہے ہیں کہ آپ جائیے غور کیجئے گا کہ آزاداری اور مرجعیت کے خلاف کیسے اس وقت دنیا سازش کر رہی ہے. لہٰذا ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ اگر مسجدوں میں کام رکا ہوا تو چاہیے وہ لوگ جو دے سکتے ہوں, ایک ایک اینٹ اگر دے دیں. میں نے ہندوستان میں بہت سی جگہوں پر دیکھا کہ راستے میں اگر کسی کی عبادت گاہ ہے تو وہاں سے جتنے بھی ٹریکٹر اینٹوں کے ساتھ گزرتے ہیں وہ دو دو اینٹیں پھینکتے چلے جاتے ہیں. میں نے اکثر و بیشتر یو پی میں یہ دیکھا ہے کہ روڈ کے ارد گرد اگر کوئی عبادت گاہ ہے تو وہ جتنے بھی اینٹیں گزرتی ہیں وہاں سے وہ وہاں پہ دو چار دس پھینکتے جاتے ہیں. تو ایک آدمی نے 10-15 اینٹیں پھینک دیں, لیکن جب سال ہوتا ہے تو وہاں کی تعمیر کے لیے اچھی خاصی اینٹیں ہو جاتی ہیں. لہذا میں کہوں گا کہ اگر آپ کی نظر میں کچھ ایسی مسجدیں ہیں, ایسے ادا خانے ہیں جہاں کے اوپر رکاوٹ ہے پیسوں کی وجہ سے, تو اس ون چینل سے کے ذریعے سے آپ ان جگہوں کو بتا دیں تاکہ ان جگہوں کے اوپر مومنین خود جائیں اور جانے کے بعد اس ضرورت کو پورا کر دیں. بیکاز مولانا صاحب دیر آر ٹو میسیجز ان کربلا, دو پیغام تھے امام حسین کے, مقصد حسین اور مکتب حسین, اس میں آپ کا کیا سجیشن؟ بیٹا ایسا ہے کہ جو مقصد امام حسین ہے وہ مقصد خدا ہے. جی جی, اللہ کا مقصد بھی وہی ہے اور رسول اللہ کا مقصد بھی ہے. امام حسین کا کیا مقصد تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے نکلنا. تو جو بقائے دین پیغمبر کے لیے نکلے گا وہی مکتب حسین بھی ہے اور وہی مقصد حسین بھی ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم مقصد امام حسین کو دیکھیں اور اس انداز سے دیکھیں کہ امام حسین ظلم کے خلاف اٹھے. قرآن کی بقا, یزید وہ تھا جس نے باقاعدہ طور سے یہ کہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا وحی جا ولا ملک نزل, کہا کہ نہ تو وحی آئی تھی اور نہ تو کوئی قرآن آیا نہ کوئی ملک آیا, گویا کہ رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر رہا تھا. اور مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں کروں چونکہ آپ ابھی کم سن ہیں. یعنی اس نے وہ احترام جو عورتوں کے بیچ میں ہوتا ہے اسے ختم کر دیا تھا. تو میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مکتب اور امام کا مقصد آج عام ہو گیا. آج اگر دنیا کے کسی حصے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان پائے جا رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے مسلمان امام حسین کے قرضدار ہیں. اگر امام حسین نہ ہوتے تو اسلام مٹ گیا تھا. آج جہاں جہاں مسجدوں سے اذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں وہ سب امام حسین کے قرضدار ہیں, مدیون ہیں. ورنہ اس نے تو کہہ دیا تھا صاف کہ نہ تو کوئی دین ہے, نہ کوئی مکتب ہے, نہ کوئی نظام ہے, نہ وحی ہے, نہ قرآن ہے, سب کا انکار کیا. قرآن ہے تو حسین ہے, اذان ہے تو حسین ہے. اب آپ دیکھیے ایک کتاب ہے تاریخ مروج الذہب, اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ اس نے یزید کے باپ نے کہا تھا کہ میں جب اذان سنتا ہوں میں تو چاہتا ہوں یہ اذان مٹے. یعنی جس کا مقصد باپ بیٹے کا مقصد تھا اذان کو مٹانا, تو وہ تو ہار گیا, حسین جیت گیا, اذان آج باقی ہے. مولانا صاحب اگر ہمارے جیسے نوجوان دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی مدرسے کی بھی تعلیم ہو اور کالج کی بھی, کیونکہ کالج تو ہم سب سے بہت قریب ہوتا جا رہا اور مدرسہ ہم سب سے کوسوں دور جاتا جا رہا ہے. جس میں آپ بالکل صحیح ہیں, حق بجانب آپ ہیں کہ ہمارے یہاں اس کام کے لیے فقط دیکھیے ایک آدمی سے تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی نا, تالی تو دونوں ہاتھ سے بجتی ہے نا. اور کہا گیا قطرہ قطرہ ہر ایریے کے اندر, جیسے مثلا آپ شکوہ آباد کے ہیں تو شکوہ آباد میں ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے اوپر کچھ مومنین ایسے نہیں ہیں, وہ ایک کمیٹیاں بنائیں, بنانے کے بعد اپنے ایریے کے کالج میں جائیں اور جانے کے بعد کہیں کہ بھائی جیسے ایک یونیورسٹیوں کے اندر پرشین کا شعبہ پایا جا رہا ڈپارٹمنٹ ہے, عربک کا ہے, سنسکرت کا ہے, ڈپارٹمنٹ پائے جا رہے ہیں. اب یو پی کے اندر آپ ہیں, یو پی میں دیکھیے اردو ٹیچرس کی جگہیں نکل رہی ہیں اور ان کا اپارٹمنٹ ہو رہا ہے. تو آپ حضرات جائیں اور جانے کے بعد کالج کے انتظامیہ پر دباؤ ڈالیں کہ جیسے علی گڑھ یونیورسٹی میں شیعہ تھیولوجی ہے, سنی تھیولوجی ہے, شیعہ دینیات سنی دینیات, اسی طرح سے ہر کالج میں آپ اپنی اپنی باتوں کو رکھیں. اور رکھنے کے بعد سے ضروری نہیں کہ سارے امور علماء کے ذریعے سے انجام پائے نا, علماء سے آپ کتابیں لے لیجئے, ان کے افکار کو معلوم کیجئے, لیکن جس چیز کو حکومت خود چاہتی ہے کہ وہ رائج ہو جائے آپ اپنے کالجوں میں جائیے, وہاں کے انتظامیہ سے کہیے کہ ایک یہاں کے اوپر ٹیچر رکھیے,
हमारे बच्चे हमारे एतबार से भी पढ़ना चाहते हैं। तो अगर इसको जैसा विन के चैनल के थ्रू अगर ये हमारी बात आम हो जाए और आपके सवाल की रोशनी में, तो बहुत अच्छा होगा कि इस वक्त यूपी में इलेक्शन भी होने वाले हैं और जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत से वादे भी कर लिए जाते हैं जी जी। और कामयाब पार्टियां उस वादे को 2% अदा भी कर लेती हैं जी जी। तो कोशिश ये कीजिए आप लोग एक पूरी टीम बना करके कि कॉलेजों के अंदर एक जैसे हिंदी का उस्ताद होता है, टीचर होता है, एक मैथ का होता है, फिजिक्स का होता है, मुख्तलिफ टीचर्स हैं, उसी तरह से इस्लामियात का भी एक टीचर रखा जाए। इस्लामियात में शिया और सुन्नी बाद में जाके अलग होते हैं, पहले तो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ों को वहाँ सीखने के लिए कोशिश कीजिए। इसमें आप बिल्कुल हक बजानिब हैं कि हमारे यहाँ दीनी तालीमात के मराकज बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी काम हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला बेहतर अंदाज से और तरक्की करेगा। मौलाना साहब, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद इट। क्या मौलाना साहब ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपने हाई स्कूल या मिडिल क्लास स्कूल इस्टेब्लिश करें जिसमें कुरान, जिसमें हिंदी इंग्लिश के साथ साथ अदर सब्जेक्ट के साथ साथ कुरान और हदीस भी एक सब्जेक्ट को, कि जिससे हम कॉलेज में और स्कूल में रहते रहते ही अपनी दीनी मजहबी तालीम मजबूत कर लें? बहुत अच्छा है अगर ये सहूलत आप एक दो तीन जगहों के ऊपर इस तरह का कोई काम करें और उसके बाद से उसका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा, बशर्ते कि ये काम हो जाए। चूँकि स्कूल का बनाना आसान है, उसमें गवर्नमेंट भी आपको सहूलतें फराहम करती हैं। आप कहीं देखिए अगर ज़मीन किसी के यहाँ इस तरह की पाई जा रही हो तो अभी से आप उठिए और अपने बुज़ुर्गों को बतौर मुरब्बी और एक समझदार टीम की हैसियत से उनको आपने आगे कीजिए और इस तरह के अगर बन जाए स्कूल छोटे छोटे मिडिल वगैरह तो बहुत अच्छा रहेगा, तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। मौलाना साहब, इसमें प्रॉब्लम यह आती है कि हिंदू और ये सारी चीज़ें जो हैं फिर वो कैसे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं अगर इन सब्जेक्ट को लाते हैं? देखिए एक सब्जेक्ट उर्दू तो मुल्क के अंदर खुद यूनिवर्सिटियों में चलाई जा रही है जी जी। और आज उर्दू के ऊपर काम भी करने की ज़रूरत है। उर्दू तो किसी मुसलमान की नहीं ज़बान है ना, उर्दू तो सबकी ज़बान है। जैसे हिंदी इस वक्त जो है वो हिंदू की ज़बान नहीं है, हिंदी मुल्क की ज़बान है ना, संस्कृत मुल्क की ज़बान है, इंग्लिश अंग्रेज़ की ज़बान नहीं है, इस वक्त एक मुल्क की ज़बान है। हमारी ज़रूरतों में इंग्लिश दाखिल है, तो जिस तरह से और ज़बानों को हम पढ़ रहे हैं, हमारी ज़बान है उर्दू को भी सभी को पढ़ना चाहिए। ज़बान का हासिल करना, इल्म का हासिल करना किसी कौम और मिल्लत से मखसूस नहीं है। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला सवाल मौलाना साहब मेरा ये है कि आजकल दुश्मन इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारे जेब, हमारे घर, हमारे हुजरे हर जगह तक पहुंच चुका है, और इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारे सामने इंटरनेट मोबाइल चाहे वो 3G है 4G खिलौना बनाकर छोड़ दिया है, तो बताइए इससे आजकल का यूथ कैसे बचे? तो हमें पहले ये समझना चाहिए कि ये हमारा मददगार है या हमारे लिए मुज़िर है। पहले अगर ये समझ में आ जाए कि इंसान, देखिए गाड़ियाँ बगैर ब्रेक के नहीं होती, हर गाड़ी के अंदर ब्रेक होता है, तो गाड़ी यूज़ करते हैं तो ब्रेक के साथ करते हैं। तो जब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं 3G और 4G, तो उसके अंदर अगर फहश चीज़ें आ रही हैं उसके थ्रू, तो अक्ल की ब्रेक भी तो है। तो अगर हम अपने घरों में दीनियात, दीन, खुदा शनासी, अल्लाह और रसूल की मारिफत बच्चों को याद दिला दें, तो वहाँ पहुँचने के बाद भी मालूम हो कि अकीदा अगर मजबूत हो जाएगा तो बाहर की गुमराहियाँ आदमी को काबू में रखती हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि हर घर के अंदर बच्चों को पुख्ता तौर से, आपने देखा कि जब पौधा कहीं पर लगाया जाता है उसे जो चाहे खुद के ज़मीन ले जाके दूसरी जगह लगा देगा, क्योंकि उसकी जड़ें अभी कमज़ोर हैं। खोदा इतनी मिट्टी और ले जा करके बेला दूसरी जगह, जूही दूसरी जगह, चमेली दूसरी जगह लगा दे, लेकिन बड़े बड़े आम के दरख्त जो फल दे रहे हैं वो भी उखाड़ के लेके जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि उसकी जड़ें गहराई में पहुँच गई हैं। तो उस गहराई में अगर अकीदे तौहीद, अकीदे खुदा शनासी, अकीदे रसालत,
عظمت گناہ, کہ گناہ ایک عظیم چیز ہے, اگر اس وقت اس پانی کے اندر سانپ کا زہر ملا ہو آپ پیئیں گے؟ ابھی نہیں پیئیں گے, ہم بھی نہیں پیئیں گے, کیونکہ ہم زہر کی حقیقت سے آشنا ہیں کہ یہ زہر ہماری موت کا سبب ہے. اگر گناہ زہر سمجھ کر کے آدمی کو پہچانوا دیا جائے تو پھر کبھی گناہ نہیں کرے گا, کر ہی نہیں سکتا. تو اگر ہمارے گھروں میں ان لوگوں نے نیٹ کے ذریعے سے, موبائل کے ذریعے سے, 3G اور 4G کے ذریعے سے, ٹی وی کے ذریعے سے, ریڈیو کے ذریعے سے, اور ہزاروں سسٹم ہیں ان کے ذریعے سے اگر ہمارے گھروں کو یہ غارت کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ اینٹی وائرس اپنے گھر میں رکھیں. اینٹی وائرس کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے, عقیدہ رسالت, عقیدہ امامت, ان کی احادیث کو پڑھنا, اور نہ ہو تو عمومی کلاس. یہ جو ون چینل بنا ہے اسی لیے بنا ہے, یہ ون چینل نہیں ہے, یہ اینٹی وائرس ہے جو گھروں گھروں کے اندر خرابیاں آ رہی ہیں اس کو روکنے کے لیے ہے. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ جزاک اللہ. میرا اگلا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ علماء حقہ اور مرجع کرام کی توہین پر سزا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے بیان کیجئے, کیونکہ بہت عام ہو چکا ہے گالی دینا اور بہتان لگانا. دیکھیے دو چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ گالی دینا. میں ون چینل کے اس شو کے ذریعے سے سارے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ مذہب اہل بیت میں گالی نہیں ہے, گالی بکنا مذہب اہل بیت میں ہے ہی نہیں, حرام نہیں. گالی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہمارے یہاں ہے. ہمارے یہاں گالی نام کی کوئی چیز مذہب نے سکھائی نہیں ہے کہ گالی تم بکو. گالی ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں ہے. گالی دینے والا اصلاً اسلام کو نہیں پہچانتا. اگر کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے تو گالی دینے کے معنی کہ وہ مسلمان نہیں ہے, اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فحاشی کو, گالی دینے کو انسانی زندگی کے اندر ایک عمل ایسا ہے جس پر سزا رکھی ہے. لہذا شیعہ مذہب گالی نہیں بکتا. اگر کوئی شیعہ مذہب میں مراجع کو برا بھلا کہہ رہا, گالیاں دے رہا ہے, تو اس کی شیعت خطرے میں ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی شیعت کی حفاظت کرے. اس لیے کہ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوگی جس کتاب کے اندر, آج سے 50 سال پہلے کی کتاب ہے, ہیمفر کی ڈائری. صاحب ابھی میرے کلاس شاید ہے نہیں, ہے نہیں, سلیبس میں نہیں ہے. سلیبس میں نہیں ہے وہ ہیمفر کی ڈائری, سلیبس نہیں. آپ اب نیٹ کے اوپر دیکھ لیجیے گا, مل جائے گی. آج سے 50 سال پہلے کی یہ کتاب ڈائری ہے, جو جب ملک شاید اس وقت ابھی آزاد بھی نہیں ہوا تھا, اس وقت کی ہے. برٹش نے ایک شخص کو باقاعدہ عربی بھی سکھائی تھی, یعنی ان کا تھا باقاعدہ ان کا کالج چل رہا تھا جس میں عربی سکھائی جاتی تھی, اور بہترین فریلی عربی بولتے تھے, فارسی بولتے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ تم شیعوں میں جاؤ اور جانے کے بعد مرجعیت سے لوگوں کو الگ کر دو. اگر مرجعیت سے الگ کر دو گے تو جیسے سارے دنیا کے لوگ خریدے جا رہے ہیں, آج جو ایران نہیں خریدا جا سکا نا, اس کی وجہ یہی ہے کہ مرجعیت بیٹھی پلیٹ فارم ہے. ہاں, پلیٹ فارم مرجعیت کا ہے. اس پلیٹ فارم سے جو ہے کسی کو اگر مرجعیت ٹوٹے گی تو اس کے معنی ہے کہ امامت بھی ٹوٹ جائے گی. مرجعیت نہیں ٹوٹ رہی ہے چونکہ امامت اس کے اوپر سپورٹ کر رہی ہے. تو ہیمفر کی ڈائری میں آپ کو ملے گا کہ اس کی کوشش یہ تھی برطانیہ کی کہ کسی صورت سے بھی شیعوں سے مرجعیت اور عزاداری کو ختم کر دیا. تو جو لوگ بھی مرجعیت کی مخالفت اس وقت کر رہے ہیں یا مرجع کو برا کر رہے ہیں, میں نہیں کہتا کہ ان کے وہ نادان ہیں, وہ نادان نہیں ہیں, وہ کہیں سے ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے اور کہیں سے ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے اور وہ کوئی اور نہیں کر رہا ہے. ورنہ وجہ کیا ہے کہ ایک مرجع کی زندگی میں آپ نے کون سا ایسا عمل دیکھ لیا ہے جس عمل کی بنیاد پر آپ اسے گالی دے رہے ہیں؟ کوئی ایسی غلطی اس کی زندگی میں آپ نے دیکھی ہی بھی نہیں, خود اس کو کبھی نہیں دیکھا, آپ کبھی اس کے ساتھ اٹھے بھی نہیں, بیٹھے بھی نہیں, ایک جھلک نہیں دیکھی ہے, تو آپ کیوں اسے گالی دے رہے ہیں؟ نہ اس کے کردار میں آپ کو, جن لوگوں نے شراب پی, رقص کیا, آج نیٹ کے اوپر دیکھ لیجئے اسلامی حکمرانوں کے چہرے کے اوپر داڑھی تو نہیں ہے. اچھا, وہ جب وائٹ ہاؤس جاتے ہیں تو شراب کا جام بھی ان کے ہاتھ میں ہے, آج نیٹ پر فوٹو پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے؟
तो मगर आप देख लीजिए कि किसी एक मर्जा के हाथ में कभी शराब की जाम आई है? अस्तगफुरुल्लाह। मगर आप क्यों उनको बुरा कह रहे हैं? कोई बुरा कहने की वजह, इसके माने है कि आप बेवकूफ़ नहीं, नादान नहीं है। आपकी बाकायदा तौर से कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिल रहा है, और आप जैसे चालाक बच्चे उनके उसमें नहीं, बहकाने में नहीं है, लेकिन जो लोग नादान हैं उन्हीं के बहकाने में आ जा रहे हैं, वो भी बुरा कह रहे हैं। तो मैं दो बातें आपसे अर्ज़ कर दूँ। पहली बात तो यह है कि शिया मज़हब के अंदर गाली नहीं है, लान और चीज़ है। लानत और है और गाली। इन्नल्लज़ीन यूज़ून अल्लाह व रसूलहु, जिन लोगों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अज़ियत पहुँचाई, क़ुरान मजीद इसी आयत में कहता है यलअनहुम अल्लाह फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह उनको लानत करेगा। तो जब कुरान की ये आयत मौजूद है कि जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अज़ियत पहुँचाएँगे वो काबिल लानत हैं, लिहाजा ये मराजे वो हैं जिनके लिए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अर्राद इलैहिम कर्राद इलैना, जिसने इनकी मजम्मत की, जिनको जिसने इनको छोड़ दिया, जिसने इनको रद्द कर दिया, उसने हमको रद्द कर दिया। आप कह रहे थे ना हदीस से साबित कीजिए, जिसने इनको रद्द कर दिया उसने हमको रद्द कर दिया। जब इमाम को कोई रद्द कर देगा तो वो मुल्हिद है, काफिर है। तो लिहाजा जिन लोगों ने भी मराजे की तौहीन की है, तौबा करें, इस्तग़फार करें कि हमसे ख़ता हो गई, वरना मराजे ताज़ीम के लायक हैं, तोहमतों के अहल नहीं है। उनको उन्होंने किया क्या है? उनसे गलती तो कोई बता दे कि उन्होंने किया क्या है। उनकी आज सादी जिंदगी को तो देख लीजिए, आज उनकी वजह से शियत बाकी है प्लेटफॉर्म पे। हाँ, आज उनकी वजह से शियत बाकी है जी। आप उनकी रोजमर्रा की जिंदगी देख लें जी, कि सारी दुनिया एक उनके फतवे के ऊपर हिल जाती है। दुनिया नहीं हिलती बल्कि साम्राज्य हिल जाता है। तो अब मालूम यह हुआ कि जो लोग मर्जा को बुरा कहते हैं वो इमाम ज़मान के मुखालिफ हैं, और जो इमाम ज़मान का मुखालिफ होगा वो नजात याफ्ता नहीं है। साहब जज़ाकअल्लाह। मेरा अगला सवाल मौलाना साहब, ये मूजिद और खालिक में क्या डिफरेंस है? देखिए, मूजिद और खालिक में फ़र्क है, और बुनियादी फ़र्क है। खालिक अल्लाह के नामों में से है। अल्लाह ने माँ बाप को भी तो बनाया है ज़रिया पैदाइश का जी। तो कुछ चीज़ें हकीकत के माना में बोली जाती हैं, और कुछ आप रोज़मर्रा बोलते हैं भाई सुबह सुबह आपने देखा अपने दो कहाँ से आ रहे हो, कहा हवाखोरी के लिए गया था, तो हवा खा के थोड़ी पलट रहे हैं। कि आप अक्सर व बेशतर सुनते होंगे किसी ने बच्चे को डांटा मैं जूता मारूँ, जूता खोर हो तुम, तो जूता थोड़ी खाता है। यानी मकसद ये है कि कुछ चीज़ें हकीकत के माना में बोली जाती हैं, कुछ मजाज के माना में बोली जाती हैं। तो खालिक है हकीकतन रब्बुल इज़्ज़त, और खालिक है मजाजी हैं माँ बाप हैं। इसी तरह से जो किसी चीज़ को ईजाद कर दे तो वो सारे जो सिस्टम है, मतलब कि रोटी बना दिया तो रोटी में गेहूं किसने पद दिया है? गेहूं जो है खुदा ने दिया। ज़मीन किसकी थी? खुदा की। शबनम किसने किसकी तरफ से थी? कुछ हवा किसकी तरफ से थी? तो सबको आपने इस्तेमाल सारी चीज़ें तो खुदा की हैं, और खुदा की चीज़ों को इस्तेमाल करके बना में रोटी आपने एक चीज़ तैयार कर दी। तो खालिक तो वो है जो हर चीज़ को पैदा कर रहा है, मौजूद वो है जिसने इन चीज़ों को जमा किया और जमा करके एक शक्ल और शेप दे दिया। वहाँ साहब, तालिबान, अलकायदा, बोको हराम, जमात दावा वगैरह से कैसे बचा जाए, और क्या मजलूमों की नुसरत के लिए लानतों से काम चलेगा, या हम कुछ और भी कर सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं हमारे यहाँ शिया मज़हब में। अच्छा, आपने ये भी सवाल किया, शिया मज़हब में जिहाद नहीं है। शिया मज़हब जिहाद का मज़हब नहीं, जिहादी मज़हब ही नहीं है। जब हमारा मज़हब जिहादी नहीं है तो अब हमको अपनी कौम को जिहाद की तरफ नहीं ले जाना, और जब जिहाद की तरफ नहीं ले जाएंगे तो किधर ले जाएं अपनी कौम को? हम अपनी कौम को ले जाएं इल्म की तरफ, इल्म की तरफ ले जाएं। जब इल्म आएगा तो दहशतगर्दी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। और ये जो दाइश है या बोको हराम अफ्रीका में है, या अलकायदा है, या सिपाह सहाबा है,
या जैसी जो है दूसरी जितनी भी तंजीमें हैं ये खुद से नहीं पैदा होंगी, इनकी फंडिंग हो रही है। अभी आपने कल की न्यूज सुना ना, अर्दकान जो टर्की का प्रेसिडेंट है जी जी। उसने ये क्या कहा, कल की बात है ना, अर्दकान ने कहा है कि अमेरिका ये अलकायदा को सपोर्ट कर रहा है, दाइश को कर रहा है। तो मालूम है कि ये तो खुद ही बनाई हुई है अमेरिका और इसराइल की। अब ये आप देखिए कि दाइश में का जो भी सिपाही जख्मी होता था अगर वो इस्लाम के लिए काम हो रहा होता तो कभी इसराइल में जाके उसका इलाज नहीं होता। इसराइल में इलाज दाइश का क्या है, दाइश तो अगर मुसलमान होते और इस्लाम की तहरीक को ये चलाते तो इनका इलाज कभी इसराइल में नहीं होता। तिलावत कुरान और तिलावत कुरान और किरात में क्या डिफरेंस है और सवाब किस में ज़्यादा है? देखिए दोनों एक ही चीज़ है। अगर कायदे तजवीद के एतबार से होगा तो उसको कहते हैं किरात, और मगर जैसे मतलब हम पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, औरतें घर में पढ़ रही हैं, लेकिन एक किरात होती है जो मरकज़ों पर हो रही है जहाँ सिखाया जा रहा है। आयन का मखरज क्या है, हे का मखरज क्या है, वालीन कहना है तो कितना खींचा जाएगा, किस तरह से, वो किरात है जो कायदे तजवीद के एतबार से हो। और तिलावत के लिए ज़रूरी नहीं कि तिलावत आदमी जब करे तो उसी कायदे की बुनियाद पर, हो सकता है कि नज़र से तिलावत करके गुजर जाए, हो सकता है धीरे धीरे तिलावत करके गुजर जाए। तो तिलावत कहते हैं कायदे तजवीद के बग़ैर कुरान का पढ़ना, और किरात कहते हैं कायदे तजवीद के साथ, यानी ग्रामर, अरबी ग्रामर के जो कुरान के पढ़ने के ग्रामर उसूल हैं उनके साथ। तो सवाब को किरात में ज़्यादा, दोनों को, दोनों एक जैसे हुक्म रखते हैं। हो सकता है कि एक आदमी तिलावत कर रहा हो, कुरान की तिलावत का सवाब भी है, और जब नमाज पढ़ रहा है तो नमाज में कायदे तजवीद की रियायत करेगा। दोनों अपनी अपनी जगह के ऊपर असर और सवाब रखते हैं। मौलाना साहब, वो लोग जो सिर्फ मजलिस, मातम और आज़ादारी से जन्नत पाना चाहते हैं, क्या उनका अकीदा क्रिश्चियन लोगों से नहीं मिलता जो कहते हैं कि ईसा मसीह हमारी तरफ से कुर्बान हो गए, अब हमें इबादत की क्या ज़रूरत है? तो वो इबादत नहीं कर रहे हैं, ईसाई इबादत नहीं कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि साहब मजलिस और मातम और नौहा ये कर रहे हैं जी। तो मालूम ये तो अमल कर रहे हैं, ये इबादत कर रहे हैं, वो इबादत छोड़ चुके हैं। तो अब तो दोनों के अंदर कोई मुवासलत और मुताबिकत नहीं है। आपने अभी कहा कि ईसाई ये इबादत छोड़ चुके हैं कि ईसा ने अपनी जान दे दी, हमको बख्शवा लेंगे, और हम तो आज़ादारी कर रहे हैं। सब आज़ादारी जो कर रहे हैं वो लोग ये बताना चाहते हैं कि हम आज़ादारी कर रहे हैं कि इससे हमें जन्नत मिल जाएगी, क्योंकि बीबी फातिमा ज़हरा की हम दुआएं हैं। हाँ, तो इसके माने आज़ादारी कर रहे हैं, तो आज़ादारी के अंदर ये तो रुकावट नहीं है कि जो आज़ादार हो नमाजी ना हो, ये रुकावट है? नहीं, रुकावट तो नहीं है कि जो मजलिसें कर रहे हैं उनके लिए क्या शर्त है कि वो रोज़ा ना रखें? ये भी नहीं। क्या जो मजलिस के अंदर फर्श पर आए उसके लिए हुक्म है कि वो खुम्स ना निकाले? ऐसा कुछ नहीं। आया ये है कि जो मजलिस के फर्श के ऊपर आए वो झूठ बोलता रहो? नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि मजलिस इबादत के सिलसिले का एक हिस्सा है, नमाज एक हिस्सा है, रोज़ा एक हिस्सा है। अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इताअत के लिए नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, मजलिस है, सदका है, आज़ादारी इमाम हुसैन है, शिरकत यतीमों की मदद करना, बेवाओं की मदद करना, ये जितने भी उमूर हैं सब वो क़ुरबतन इलल्लाह अंजाम दिए जाते हैं, और हर क़ुरबतन इलल्लाह अंजाम दिए जाने वाला अमल इंसान को जन्नत तक ले जाएगा। लिहाजा हमारा नज़रिया असल ईसाइयों से नहीं मिलता। ईसाई ने इबादत छोड़ दी कि ईसा ने जो कुछ करना था ईसा करके चले गए, मगर हम नहीं कह रहे हैं कि इमाम हुसैन ने नमाज़ पढ़ ली अब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने तीरों के अंदर नमाज अदा कर दी अब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, अमीरुल मोमिनीन ने रमज़ान में रोज़ा रख करके शहादत पा ली अब हम रोज़ा नहीं रखेंगे। नहीं, हम तो ये नहीं कहते, और ना हमारा फ़िरका कहता शिया, और ना तो कोई इस बात को मेरे ख्याल से बरमला कहता भी होगा कि बस हमको सिर्फ हाय मजलिस और इसके अलावा कुछ नहीं। मजलिस भी जैसे सिलसिले इबादत में शाख दर शाख रोज़ा है, नमाज है, हज है, ज़कात है, ऐसे इबादत का ज़रिया एक मजलिस भी है। खुदा आपको जो है आफ़ियत दे, सलामती दे, मेरी दुआ है कि हमेशा आप खुश रहिए और इसी तरह से दीनी
शौक और जज्बे को अपने अंदर भी ज़िंदा रखिए, और हमारी दुआ रहेगी कि कौम शिया इसी तरह से आपकी तरह से आपसे बेहतर अंदाज से आम मजहबी शौक जवानों में पैदा होता रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम मौसा, मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने बेहतरीन अंदाज से, मैं क्या सिर्फ जो इस एपिसोड को देखेंगे वो करोड़ों लोग वो भी आपका शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि सिर्फ ये मेरे सवाल नहीं बनके उन करोड़ों लाखों लोगों के सवाल है जिनके जहन में बातें रहती थी। शुक्रिया मौसा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सारे नाज़रीन सामेईन को आफियत और सलामती दे, और दुआ इमाम असर अलैहिस्सलाम में शामिल फरमाए। अल्लाहुम्म कुन लवली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहिस साअत व फी कुल साअ वलियन व हाफिज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ईन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवा व तुमत्तिअहु। जी नाज़रीन, एक बार फिर से मैं हाज़िर हूँ प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल सीज़न टू में। आपने देखा कि बेहतरीन तरीके से अहमद मेहदी सवालात कर रहे थे, आइए अहमद से भी हम कुछ सवाल करते हैं। अहमद, आपको यहाँ पे आके एक बार फिर से मैं पूछना चाहूँगा कैसा लगा? माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ साजिद भाई आपका कि आपने मुझे एक मौका दिया, और साथ ही साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना साहब का कि उन्होंने इतने बेहतरीन जवाब दिए। चलिए, आपका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम एक मौका में आए। आपका सफ़र कैसा रहा था? वो अभी सफ़र जो है आपका सफल हुआ? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा सफ़र, और आपकी तरफ से अच्छे इंतजाम भी थे तो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, आप जिस मकसद के तहत आए थे वो आपको, मुंबई शायद पहली बार आए थे आप? जी, और थकावट और थकन उस जगह महसूस होती है जहाँ कोई हदफ ना हो, यहाँ एक हदफ मौजूद था। चलिए माशाल्लाह, जैसा कि मैंने कहा था शायद आप स्क्रिप्ट राइटर फ्यूचर में बनने वाले हैं, बेहतरीन सेंटेंस फ्रेम करते हैं। बहरहाल मौलाना साहब, जैसा कि एक दस्तूर है हमारे प्रोग्राम में एक मौका का, ये याद के तौर पे और एक टोकन ऑफ लव जिसे कहा जाए, ये हमारे प्रोग्राम में एक मौका की तरफ से दिया जाता है। मैं चाहूँगा कि अपने हाथों से आप इनको दें। मुबारक हो इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ज़िंदगी में आप हमेशा तरक्की करें, मज़हब की छाँव में तरक्की करें, दुनिया की छाँव में नहीं इंशाल्लाह ताला। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में एक मौका में हम जब भी बुलाते हैं आप आते हैं, और लोगों को आपके जवाब बहुत पसंद आते हैं। आप इनको देखते हुए, क्योंकि एक यंग है, टैलेंटेड है, इनको देखते हुए आज हमारे नाज़रीन को आप कोई पैगाम दें, खासकर एक मौका को मद्देनज़र रखते हुए, कि इनके एज के जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से अमल करें और आगे बढ़ें। सबसे पहली चीज़ ये है कि जवानी बार बार नहीं मिलती। जी, जवानी एक बार मिलती है। जी, और अगर जवानी में किसी चीज़ के हासिल करने का इंसान में जुनून हो जाए जी, तो वो कामयाब हो जाता है। बिल्कुल। लिहाजा जवानी में अगर किसी चीज़ के हासिल करने का जुनून हो तो तरक्की कर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इनके अंदर दोनों कैफियतें पाई जा रही हैं, जवान भी हैं, दीनी जुनून भी है, और इंशाअल्लाह जिस मकसद और हदफ को ये जहन में रखते हैं, हमारी दुआ है कि हमारी कौम के सारे बच्चे इसी तरह से एक मकसद के साथ तरक्की करें, और जब तरक्की करेंगे तो हमें तो तरक्की करना चाहिए इल्मी मैदान में, क्योंकि हम बाबे इल्म के मानने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बेहतरीन नसीहत आपको मौलाना साहब ने दिया है। उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे नाज़रीन भी सुन रहे थे और देख रहे हैं ये प्रोग्राम को, उससे भी वो भी ये सबक लेंगे और इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में एक मौका में, शुक्रिया बहुत। अहमद आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे अहमद बेहतरीन तरीके से सवाल कर रहे थे, जैसा कि कहना है कि ज़िंदगी में कभी कभार ही मिलता है एक मौका। अगर आप भी एक मौका हासिल करना चाहते हैं अहमद की तरह, तो जाहिर सी बात है कि आपके भी जहन में उठ रहे होंगे वो सवाल, तो उस सवाल को आप अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि हमें ईमेल कर दें। हमारा ईमेल एड्रेस है emwin786@gmail.com। आपके अगर सवालात अच्छे होते हैं तो आपको भी एक मौका में ज़रूर बुलाया जाएगा। ज़्यादा मालूमात के लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9619667578। जी नाज़रीन, दीन और आखरत की ज़्यादा मालूमात के लिए लगातार देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।